पहला कुवंतियों अध्याय 13। यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, इसका मतलब यदि मैं अन्य भाषा बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाझ हूं। भाइयों बहनों, यहां पे लिखा है कि जो है प्रेम, एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं है और हम जो है हम अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के सामने एक ठनठनाता हुआ पीतल है और झंझनाती हुई झाँच है। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि हम अन्य भाषा बोलते हैं, अगर हमारे दिल में हमारे जो कलीसिया है, हमारे जो मिनिस्ट्रीज है, उसमें जो भाई और बहन है, उनके प्रति अगर प्रेम नहीं है, जो हमारे जो पासवान है उनके प्रति हमारे दिल में अगर प्रेम नहीं है, हमारा जो परिवार है, हमारी जो सास है, हमारे जो ससुर है, हमारी जो बहू है, हमारे जो परिवार है, उनके प्रति यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो आड़ोस पड़ोस के लोग हैं, इनके प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो भाई और बहनों, हम तो सिर्फ ठंडाते हुए पीतल है और झंझनाती हुई झाझ है, जो सिर्फ जो है वो आवाज करता है। और वो आवाज जो है कौन उसको सुनना पसंद नहीं करता है। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि आप प्रेम में नहीं है, यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। भले आप बड़े बड़े भविष्यवाणियां करते हैं, भले आपको सब बाइबल के बारे में मालूम है, आप बाइबल के बारे में सब ज्ञान है आपके पास, आपका विश्वास बहुत बढ़िया है जो पहाड़ों को जो हिला सकता है, मगर यदि हमारे दिल में अगर जो है प्रेम नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। भाइयों बहनों, ये संदेश मेरे लिए है, ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि हमारे दिल में जो है प्रेम होना बहुत आवश्यक है। और यही आज नहीं है, सब कुछ है हमारे पास मगर दिल में आज प्रेम नहीं है। हमारे कलीसिया के जो भाई बहन है उनके प्रति प्रेम नहीं है, नफरत है, कुछ मतलब नहीं है। हम कितने भी उपास करें, कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी हमारा विश्वास अच्छा हो, कितने भी हम अन्य भाषा में बात करें, कितने भी हम भविष्यवाणी दें, मगर प्रेम नहीं है, तो इस हम कुछ भी नहीं है, जीरो। और यही यीशु मसीह आज हमको बताना चाहते हैं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपना देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। भाई बहन, बहुत सारे जो मसीह लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दान देते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया है। भाई बहन, अच्छी बात है कि आप दान दे रहे, मगर आपको जांचना है कि आपके दिल में एक दूसरे के प्रति जो है प्यार है, प्रेम है। अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे आप प्रेम करते हो, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप प्रेम करते हो, आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे आप प्रेम करते हो, या आपके दिल में नफरत है और नफरत से आप बात करते हो। जब चर्च में आते हो, जब मिनिस्ट्री में आते हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, अन्य भाषा में आप बात करते हो, मगर जब आप बाहर जाते हो तो आपकी भाषा वैसी हो जाती है। भाइयों बहनों, आज वही मैं आपको कह रहा, ये संदेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम हमारे दिल में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वो अभिमानी नहीं होता, वो अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता। जब आपके दिल में प्रेम होगा तो आप दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार कभी नहीं करेंगे। वो स्वार्थी नहीं है, वो सिर्फ खुद का नहीं सोचता है,
प्रेम कभी झुझलाता नहीं है, वह बुराइयों का कोई लेखा झोंका नहीं रखता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज दिल में जो है दूसरे का जो बुराई होता है उसका लेखा झोंका रखते हैं। ओ ये भाई ने मुझे 2000 साल में ये बात कही थी, ओ ये बहन ने मुझे 2013 साल में मेरा जो है अपमान किया था, इसने मुझे फंसाया था 2015 में। भाइयों बहनों, हम सब लेखा झोंका रखते हैं। यदि आज आपके दिल में दूसरों के प्रति लेखा बुराइयों का लेखा झोंका है भाइयों बहनों, तो आपको आज पश्चाताप करना है। कोई भी लेखा झोंका आपके दिल में मत रखना, सबको आज माफ कर दो। और यही आज यीशु मसीह चाहते हैं, यही आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम जो है हम सबको माफ करना चाहिए, दिल से माफ करना चाहिए और दिल में जो है कोई भी जो है वो लेखा झोंका नहीं होना चाहिए। बुराई पर कभी उसे प्रसन्न नहीं होती, वो तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है। यही नहीं होता है क्यों हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम हमारे दिल में सहनशीलता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मसीह लोग, प्रेम आपके दिल में होना बहुत आवश्यक है। और आज यही नहीं है, क्या देखते हैं आज हम अपने कलीसिया में, हमारे मिनिस्ट्री में प्रेम नहीं है, नफरत है एक दूसरे के प्रति। आज कलीसिया में सब कुछ है, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है बजाने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मगर प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, प्रेम नहीं है, हम नफरत करते हैं। सिर्फ ऊपर से कहेंगे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मगर प्रेम नहीं है एक दूसरे के साथ, हम अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। जो पासवान होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और कभी कभी पासवान जो होते हैं वो भी अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और अभी तो पास्टर जो होते हैं वो इंटरनेट में आके दूसरे मिनिस्ट्री के खिलाफ, दूसरे पास्टर के खिलाफ वो बात करते हैं। भाई बहनों, कहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे वो प्यार है हमारे चर्च और मिनिस्ट्री में? हमें पश्चाताप करना है। आज बहुत सारे जो है मसीह भाई बहन में आज डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, वो भूल गए हैं जब उन्होंने शादी की थी तो उन्होंने सब लोगों के सामने जो है यीशु मसीह को कहा था, चाहे कुछ भी हो मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ूंगी। वो सब भूल गए हैं, प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, सास और बहू के बीच में प्यार नहीं है, ससुर और बहू के बीच में प्यार नहीं है, दोनों भाइयों के बीच में प्यार नहीं है, माता पिता और बेटे के बीच में प्यार नहीं है। हम तो जाएंगे चर्च में हर संडे, सब कुछ करेंगे, दान देंगे, उपवास करेंगे, मगर दिल में प्यार नहीं है। और यही यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति प्यार होना आवश्यक है।